नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में सरकारी जमीन पर कॉलोनी काज का ठगी करने के मामले में फरार आरोपी भू माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मिथुन सोलंकी दो माह से काट रहा था, अन्य साथी महेश कुमावत आनंद गिरी की तलाश जारी है। दरअसल भवरकुआ थाना क्षेत्र में स्थित गुटकेश्वर महादेव मंदिर की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से गणेश धाम कॉलोनी काट कर विक्रय करने के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपी मिथुन सोलंकी, महेश और आनंद फरार हो गए थे। मुखबिर सूचना पर आरोपी मिथुन को पुलिस ने अपनी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपी महेश और आनंद की तलाश की जा रही है। ये एक पूर्व का मामला है। पूर्व में करीब दो महीने पूर्व एक गुटकेश्वर महादेव की शासकीय जमीन पर कॉलोनी काटने के संदर्भ में आरोपी मिथुन सोलंकी और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था धोखाधड़ी का। इस मामले में कल आरोपी मिथुन सोलंकी की गिरफ्तारी की गई है। ये मिथुन सोलंकी और इसके साथी इनकी स्वयं की जमीन के नाम पर जो है सरकारी जमीन को बेच करके उस पर गणेश धाम के नाम से कॉलोनी काट रहे थे। इस सूचना की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार जूनी इंदौर द्वारा जो है जांच की गई है और आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें आरोपी तीन महीने से फरार था। ये अभी पूछताछ चल रही है इसमें। नहीं, ये अभी ये अपराध तो प्रथम अपराध है इसका। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।